हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ऐप जिससे कि आप अपने वोडाफोन के सिम के इंटरनेट स्पीड को जो है बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको एक एपीएन सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है, अपने सेटिंग पर जाकर। तो कैसे कैसे यह स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने सेटिंग पे, और उसके बाद जाना अपने डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क यानी कि सिम कार्ड मैनेजर के ऑप्शन पे, ठीक है। तो आप अपना सिम कार्ड एंड जाके उसके बाद यहाँ पर सिम वन में आप अपना वोडा सिम लगा के रखे हो या फिर सिम टू में, तो वो अपना चूज कर लेना, ठीक है। तो ये आप अपना देख लेना, उसके बाद उसको एडवर्ड टच कर देना जो जिसमें भी लगा कर रखे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक नीचे ऑप्शन दिया जाता है, तो इस पर अगर टच करना है, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एपीएन। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम को टच करना, उसके बाद ऊपर में आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई दे सकता है या फिर आपका नीचे भी हो सकता है, क्योंकि आपका फ़ोन पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये डिफ़ॉल्ट एपीएन है, पहले से दिया हुआ रहता है। तो आपको प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद आता है सबसे पहला नेम। तो नेम में यहाँ पर आपको लिखना है स्पीड, सॉरी यहाँ पर लिखना है स्पीड, ये आप लिख भी सकते हो कॉपी पर, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो स्पीड। उसके बाद करना है बॉट, जो कि एस और बी कैपिटल होगा, स्पीड बॉट भी जो कि भी कैपिटल होगा, उसके बाद V3X। ये करने के बाद आपको कर देना है सेव। उसके बाद आता है एपीएन में लिखना है यहाँ पर वोडाफोन, जो कि भी कैपिटल होगा वोडाफोन, और यहाँ पर स्पेस नहीं देना है और लिखना है इंटरनेट, जो कि आई कैपिटल होगा। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव, ठीक है, उसके इसको भी सेव कर दीजिए। सो उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को भी नॉट सेट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है यूज़र नेम, यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोग को लिखना है, यहाँ पर जाता है यूज़र नेम। तो सबसे पहले बता दूं कि आप अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आता है फिर उसके बाद यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में लिखना है आपको बॉट डॉट और यहाँ पर भी जो कि छोटा होगा V3 और एक्स स्मॉल होगा, ठीक है, सिर्फ भी बड़ा होगा कैपिटल होगा। उसके बाद इसको भी कर देना सेव। उसके बाद आता है पासकोड, पासकोड को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में लिखना है www.google.com, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर देना है यहाँ पर सेव, ठीक है। उसके बाद आता है MMSC, MMS Proxy, MMS Port, MC, ठीक है, ये तीनों जो MMSC, MMS Proxy और MMS Port, ये तीनों को सेट ही रहने देना है। उसके बाद आता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड होता है, इससे आप छेड़छाड़ ना करें वरना आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है ये ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको पैप और चैप सबसे नीचे वाले में कर देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसको आपको सबसे नीचे वाले IPv4 और प्लस IPv6 में कर देना है, ठीक है। करने के बाद जो है आप लोगों का नीचे कर देना है। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4 प्लस IPv6 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है बेयरर जो है APN का सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, तो इसमें आपको अनस्पेसिफाइड में टिक रहता है, तो इसको अन टिक करके LTE प्लस SSPAP मतलब GPRS तक यहाँ पर पूरे में टिक करना है, GPRS तक। तो यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिए है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और अपना सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद जो है आपका यहाँ पर अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ LTE पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है MVNO टाइप, इसको नन रहने दें, ऊपर में जाकर सेव कर दें, ठीक है, ऊपर में जाकर सेव कर दें। उसके बाद एक बार स्पीड बॉट डॉट V3X वाले वोडाफोन इंटरनेट APN में एक बार टच कर देना है, तो इससे जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो नॉलेजफुल रहा होगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपका MPN कैसा काम किया है, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में।